राजधानी पटना स्थित रालोसपा के प्रदेश कार्यालय को खाली कराने के लिए पटना पुलिस पहुंच चुकी है। कई प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस जवान को कार्यालय के बाहर तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि रालोसपा कार्यालय की जगह नई बिल्डिंग बनाने को लेकर उसे खाली कराया जा रहा है। कार्यालय की जगह कॉमर्शियल टैक्स बिल्डिंग को बनाया जाना है। इसको लेकर इस कार्यालय के साथ साथ कई और भवनों को तोड़ा जाना है। प्रशासन ने इसको लेकर पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन रालोसपा कार्यकर्ता का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और अभी पुलिस चुनाव से पहले ऑफिस को खाली कराने पहुंच चुकी है। पटना से मनीष की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को, खास के गरीब गुरबा जनता को बधाई देते हैं। और यह बता दें कि हमारे पार्टी की तरफ से यह तय हुआ था कि अभी इस लॉकडाउन का जो समय हुआ, जो कोरोना संकट अभी आया, वो बड़े पैमाने पर गरीब गुरबा को प्रभावित किया है। लोग भुखमरी के कगार पे हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में बिहार में लोगों की इस बीमारी में मौत भी हुई है, दुर्घटना वगैरह में मौत हुई है। ऐसी परिस्थिति में जब बिहार की जनता, खासकर गरीब जनता, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, तो हम जश्न नहीं मना सकते हैं। लालू जी का और के जैसे नेता, जो गरीबों के नेता है, उनका जश्न नहीं मना सकते हैं। ये लालू जी का निर्देश था और इसीलिए उसकी जगह पर गरीब स्वाभिमान दिवस जो हम लोग हैं उसको मनाने का काम किया। पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि इस कोरोना के समय में लालू जी के जन्म दिवस को हम लोग गरीबों के साथ मनाएंगे और गरीब जो स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएंगे, और 72,000 लक्ष्य था कि 72,000 गरीबों के बीच खाना का वितरण करेंगे। लेकिन आपको यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि लक्ष्य पार्टी ने 72,000 रखा था, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आज खाना खिलाया गया। अभी मैं समस्तीपुर से आ रहा हूँ, सैकड़ों नहीं बल्कि 300 से 400 गाँव में खाना वितरण करने का काम किया गया, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में। जबकि पार्टी ने तय किया था ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर वितरण करना है, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है, लालू जी इतने लोकप्रिय हैं कि हर पंचायत में लोगों ने कर दिया। और मुझे लगता है कि गिना नहीं जा सकता है कि 5 लाख लोगों को खाना खिलाया कि 10 लाख लोगों को खाना खिलाया गया। और इस तरह हम लोगों ने जश्न मनाया और उनके लिए प्रार्थना किया है लोगों ने कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए, जल्द उनकी वापसी हो जाए। और जो लालू जी की विचारधारा है, कभी भी उन्होंने जो कभी समझौता करने का काम नहीं किया, अपनी जो विचारधारा से समझौता करने का काम नहीं किया सत्ता के लिए, वैसी विचारधारा हम तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं में दे जो अपने स्वार्थ के लिए और किसी भी डर से, किसी भी भय से, वो अपने विचारधारा से समझौता जिस तरह लालू जी ने नहीं किया, तमाम तरह की प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, जेल में रहना और हार्ट फेल कर गया, ट्रेन में कट गए और बस से कुचल दिए गए, अगर ये एक रैली का भी पैसा अगर दे दिए होते तो आज हजारों लोगों की जिस तरह से मौत हुई है वह मौत नहीं होती। सरकारी आंकड़ा 100-200 बताता है, वास्तविकता यह है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। और ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल गरीब के वक्त में खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव या तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम ट्रेन का पैसा देंगे, हम बस का पैसा देंगे, हम राशन दे रहे हैं, और ये लोग रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी के लिए मर रहा है, आत्महत्या करने के कगार पर है। आने वाले 2 महीने में देखिएगा जनता का क्या हाल होगा। आगामी चुनाव में कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, ये बेचैनी है, कितना भी ये गठबंधन कर ले, 3 दल 4 दल 5 दल का, जनता परिवर्तन करना चाहती है और निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी। बिहार को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना है, जो 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को धरातल में रख दिया है किसी भी क्षेत्र में, और अगर ले जाना चाहते हैं तो एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है बिहार को, जो जो जिसका विजन हो, जो बिहार में तमाम तरह की बेरोजगारी की समस्या हो, उद्योग कल कारखाने की समस्या है, इस तमाम तरह की समस्या को दूर करने का एक विजन रखता हो। आपको 15 साल से बिहार की जनता ने देखा है, आपके विजन के तहत बिहार में देखा है, आपने कुछ सड़कें, कुछ बिजली वगैरह बनाया है, लेकिन आपने जो व्यापक बदलाव होता है उस क्षेत्र में आपने कुछ न किया, न स्वास्थ्य में कोई बदलाव किया, न शिक्षा में बदलाव किया, न रोजगार देने में बदलाव किया, न लॉ एंड ऑर्डर में अपराध रोकने में बदलाव किया। जो भी मुख्य तरह से बिहार का मानक है, हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। बिहार को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में एक अच्छी सरकार, एक युवा सरकार बनानी है। हमें लगता है जनता इस बार इनके पक्ष में और बिहार के तमाम युवा तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़े होंगे। स्थिति है और काफ़ी चिंता की बात है। सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी देश के
एक बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं, एक बड़ा जनाधार है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, और उनको परास्त करने के लिए आप देखते हैं कि बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज सामने नहीं आने को तैयार है। न नीतीश कुमार अपने 15 साल के शासन से संतुष्ट हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद की विचारधारा का मुकाबला करें, ना ही भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि अकेले हम लालू जी का मुकाबला कर सकते हैं। कोई बिहार की पॉलिटिकल पार्टी में यह हिम्मत नहीं है कि लालू जी के सामने खड़ा होने की हैसियत करे। वह लोग एक टिकड़ी बनाते हैं, 3-4 दलों का 5 दलों का गठबंधन बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद की विचारधारा का मुकाबला करने के लिए। वरना हम अक्सर अकेले रहते हैं, कभी कांग्रेस या कोई दल लोग आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद जी का ऐसा जनाधार है जिसे 15 साल शासन करने के बाद जो अपने आप को सुशासन कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं, तो हिम्मत है तो अकेले आ जाए लालू प्रसाद यादव के सामने। तैयारी कर रहे हैं आप लोग डिजिटल चुनाव की? डिजिटल जो चुनाव होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कोई भी अमित शाह जी हों या नीतीश कुमार जी हों या रामविलास पासवान जी हों, कोई भी नेता हो, उससे हमें गर्व है कि हमारा नेता सबसे युवा है, सबसे आधुनिक है। किसी भी क्षेत्र में हमारा जो NDA है या हमारा विपक्ष है उसका मुकाबला हम उससे बढ़ के करेंगे, उससे बेहतर करेंगे और बढ़िया ढंग से करेंगे। और हमारे पास जो भी बिहार डेवलपमेंट का प्लान हो, इलेक्शन कैंपेन का प्लान हो, किसी भी पुराने नेताओं से बेहतर होगा, क्योंकि युवा इनके साथ है, युवा सोच इनके साथ है और इनकी स्ट्रेटजी भी एक उसी हिसाब से होगी, चाहे बिहार डेवलपमेंट का हो या इलेक्शन कैंपेन का हो।